वेलकम टू लास्ट सेशन ऑफ गीतांजलि। ये हमारे गीतांजलि का लास्ट सेशन है जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट थीम्स एनालिसिस करने वाली हूँ प्लस आंसर राइटिंग। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि वो कौन सी इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जो एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, प्लस आपको गीतांजलि के आंसर कैसे लिखने हैं वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो ये चीज एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप गीतांजलि के सारे सेशन देखिए सेशन वन से लेकर, क्योंकि एग्जाम में आपको थीम एनालिसिस करने के लिए भी आ सकता है और पोयम एनालिसिस करने के लिए भी आ सकता है। इसलिए गीतांजलि की जो इम्पोर्टेंट पोयम्स है, पोयम नंबर 1, 2, 10, 11, 35, 38, ये सब मैंने सेशन वाइज एक्सप्लेन करी है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो एक बार जरूर चेक करें सारी पोयम्स का एक्सप्लेनेशन और गीतांजलि का सेशन वन जिसमें मैंने बताया है कि एक्चुअल में गीतांजलि है क्या, व्हाट इज गीतांजलि एंड हाउ यू कैन फील इट टू इवैल्यूएट योर आंसर इन द एग्जाम। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये पांच मेन थीम्स हैं हमारी, बट मैं आपको केवल दो ही एक्सप्लेन करूंगी, डिवोशन एंड मिस्टिसिज्म, बिकॉज डिवोशन और मिस्टिसिज्म ये दो थीम है, एकदम सेंट्रल थीम है हमारे गीतांजलि की। इन थीम्स के बिना, ये दो मेन थीम्स के बिना गीतांजलि अधूरी है, क्योंकि गीतांजलि में 103 पोयम्स हैं। हर एक पोयम एक ही चीज दर्शाती है, डिवोशन ऑफ गॉड, भगवान के प्रति भक्ति रविंद्रनाथ टैगोर की, और मिस्टिसिज्म यानी कि रहस्यवाद, आखिर भगवान का वो कौन सा गुण रहस्य है जिसके प्रति खिंचाव में रविंद्रनाथ टैगोर अपनी भक्ति में डूब गए और इतना डूबे कि उन्होंने इतने गीत गा दिए अपने भगवान के लिए। ऑलराइट, सो बेसिकली गीतांजलि क्या है, सॉन्ग ऑफरिंग है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी भक्ति के गीत गाए हैं इसमें भगवान के लिए और वो पोयम के माध्यम में गाए हैं, उन्हें आप पोयम कहिए या सॉन्ग कहिए, ठीक है, इसीलिए गीतांजलि को सॉन्ग ऑफरिंग भी कहा गया है। और बाकी की जो ये तीन थीम्स हैं इन्हें आप एक्सप्लेन करें या ना करें, इट्स ऑल अप टू यू, बट ये दो मेन थीम अगर आपने छोड़ दी तो समझो आपने गीतांजलि छोड़ दी, ठीक है। तो आई रिकमेंड यू कि अगर आप अपने एग्जाम में इन दो थीम्स को भी एक्सप्लेन कर दोगे ना, दैट इज एनफ टू मेक अ बेटर आंसर, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको कहती हूँ कि आप केवल दो ही थीम एक्सप्लेन करना, लेकिन अच्छे से करना, बड़े डिवोशन के साथ करना, ओके, क्योंकि गीतांजलि क्या है, एक डिवोशन है, एक श्रद्धा है, एक ऐसी भक्ति गीत है ये, जो एक बार गहराई से सुनेगा इन गीतों को वो भक्ति में डूब जाएगा जैसे रविंद्रनाथ टैगोर डूब गए, ठीक है। तो इतना ही डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक एक इनकी कविता का, एक एक शब्द का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने किया है अपने सेशंस में, इसीलिए वो पोएम्स का एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखें। कम टू आंसर राइटिंग, हाउ यू कैन अटेम्प्ट आंसर इफ एनी क्वेश्चन अकर्स फ्रॉम गीतांजलि। तो देखो, गीतांजलि से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वो दो टाइप से ही आएगा, कैसा टाइप, एक तो या तो वो आपको पोएम का कोई स्टैंजा दे देगा, ठीक है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टैंजा एंड एक्सप्लेन इट विद द डिवोशनल वर्ड्स। सेकंड क्या टाइप है, पोएम का कोई स्टैंजा नहीं आएगा बट गीतांजलि से रिलेटेड या रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या उनकी पोयम क्या दर्शाती है, क्या सिंबलाइज करती है, वो आपसे यहाँ पूछ सकता है, ठीक है। सो हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट पैराग्राफ, दोनों ही टाइप का बता रही हूँ मैं, फर्स्ट पैराग्राफ तो आपको टैगोर के बारे में लिखना होगा बिकॉज ही इज ऑथर ऑफ गीतांजलि, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गीतांजलि है क्या, What is गीतांजलि in actual? Actual में क्या है ये गीतांजलि? So it basically it is a song offering. ये song offering है. ये सारी बातें मैं अपने session one में भी बता चुकी हूँ. But यहाँ मैं थोड़ा detail में बता रही हूँ. Clear? गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भक्ति के गीत गाए हैं भगवान के लिए, अपनी भक्ति को दर्शाया है, अपनी devotion को दर्शाया है, और जो इसका original version है वो 1910 में पब्लिश हुआ था बंगाली में, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली पोएट है, राइट। बट आप जो पढ़ रहे हो वो इंग्लिश वर्जन है, आपके एग्जाम में आएगा वो इंग्लिश वर्जन है जिसमें कुल टोटल 103 पोएम्स है, राइट। और ये इंग्लिश वर्जन कब पब्लिश हुआ, 1912 में, ओके। तो इंग्लिश वर्जन में 103 पोएम्स है, ओरिजिनल वर्जन में 108 पोएम्स है, ये आप यहाँ की
गीतांजलि के लिए, इतने हाई सुप्रीम वर्ड्स के साथ उन्होंने अपनी भक्ति को यह दर्शाया है। अब आप ये पॉइंट भी जरा सोचिए कि भगवान के लिए हर कोई इतने भजन गाता है, इतने गीत गाता है, लेकिन हर किसी को तो प्राइज नहीं मिलता ना। इनकी गीतों में, इनकी पोयम्स में कुछ तो गहराई होगी जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो वो गहराई समझने के लिए आपको एक बार पोयम का एनालिसिस देखना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, राइट। बिकॉज गीतांजलि की जितनी भी पोयम्स हैं तो छोटी छोटी चार चार स्टैंजा की हैं, बट उनका जो मीनिंग है वो बहुत गहरा है, वो बहुत डीप है। तो मैंने सारा एक्सप्लेनेशन डिटेल में करा है इम्पोर्टेंट पोएम्स का, इम्पोर्टेंट पोएम्स, क्योंकि गीतांजलि की कुछ पोएम्स हैं जो बहुत फेमस हैं और उन फेमस पोएम से रिलेटेड ही स्टैंजा के रूप में क्वेश्चन आता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट पोएम्स लाइक पोएम नंबर 1, 2, 10, 12, 35, 38, इन्हें आप पोएम्स कहिए या सॉन्ग कहिए, एक ही बात है। इसीलिए फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होते ही आंसर में आपको आना है सेकंड पैराग्राफ पे। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन देख लेना क्या दे रखा है, पोएम का कोई स्टैंजा दिया है एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर हाँ तो आपको यहाँ वो पोएम का स्टैंजा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और पोएम का स्टैंजा कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे आप, जब आपने पोएम पढ़ी होगी तभी तो आप समझ पाओगे अरे ये उस पोएम नंबर का ये वाला स्टैंजा है और इस स्टैंजा का ये मतलब है। ऑलराइट, तो एक एक शब्द का डीप मीनिंग मैंने समझाया है अपने एनालिसिस में, इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ कि वो पोएम्स एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। अब आते हैं, अगर क्वेश्चन में पोएम का कोई स्टैंजा नहीं पूछा, गीतांजलि से रिलेटेड या टैगोर साहब से रिलेटेड पूछा है कुछ, कि गीतांजलि की जितनी भी पोएम्स है टोटल 103, वो किस आधार पे रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है, कहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर को इंस्पिरेशन मिली ये गीत गाने की, ठीक है। यानी कि एक तरह से पूरी गीतांजलि का एनालिसिस वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, अपने घुमाऊ फिराऊ शब्दों में। ओके, तो शब्दों में नहीं घूमना है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कुछ भी पूछ रहा है स्टैंजा से, स्टैंजा छोड़ के, तो आपको आंख बंद करके डिवोशन वाली थीम एक्सप्लेन कर देनी है और मिस्टिसिज्म, ठीक है। केवल ये दो थीम आप एक्सप्लेन कर देना, आपका आंसर रेडी। ओके, अभी मैं आपको ये दोनों थीम एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आप थीम एनालिसिस करेंगे, डिवोशन और मिस्टिसिज्म, अगर स्टैंजा नहीं है क्वेश्चन में तो। थर्ड पैराग्राफ में आप अपना खुद का कंक्लूजन, आपकी खुद की क्या आइडियोलॉजी है अबाउट गीतांजलि, गीतांजलि पढ़ने के बाद आपके मन में क्या फीलिंग्स आई हैं, आप गीतांजलि के लिए क्या सोचते हैं, वो आपका ओवरव्यू आप अपने थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये है आंसर का मेथड, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। अब आ जाते हैं थीम के एनालिसिस पे, डिवोशन और मिस्टिसिज्म। सो फर्स्ट थीम इज डिवोशन ऑफ गॉड, भगवान की भक्ति। तो जो बच्चे भगवद गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं वो यहाँ पर गीतांजलि के इस सेशन को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जो बातें भगवद गीता में कही हैं वही कुछ कुछ बातें पूरी नहीं, कुछ कुछ बातें गीतांजलि से यहाँ मैच होती हैं। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में भी थीम्स हैं, इंग्लिश में लिखी हुई हैं, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। अब आप मुझसे मांगना मत मैम प्लीज प्रोवाइड योर नोट्स, क्यों, क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स है ही नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ये मेरा अपना खुद का है ही नहीं, मैंने ये खुद इंटरनेट से लिखा है, वेरी ट्रू। ओके, तो इंटरनेट पे आप सर्च मारेंगे डिवोशन ऑफ गॉड, आपको भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। तो गीतांजलि में सॉन्ग ऑफरिंग के माध्यम से, गीत गाने के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी भक्ति को दर्शाया है, अपने डिवोशन को शो किया है बहुत ही हाई सुप्रीम डिवोशनल वर्ड्स के साथ। उनके गीत के जो लिरिक्स हैं, यानी कि उनके गीत के जो शब्द हैं, उनके गीतों का एक एक शब्द सुंदर फूल जैसा है, जैसे आप भगवान को फूल अर्पित करते हो, फ्लावर्स चढ़ाते हो, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भक्ति के गीत गाकर उसमें जो शब्द डाले हैं उन शब्दों के माध्यम से अपनी भक्ति को दर्शाया है, अपनी भक्ति उनको चढ़ाई है, उनको अर्पित की है, क्योंकि वो जो शब्द उन्होंने यूज करे हैं गीतों में, अपने सॉन्ग्स में, अपनी पोएम्स में,
उनके हर एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है और वो हर एक शब्द का एक एक गहरा अर्थ डीप मीनिंग मैंने समझाया है अपनी पोयम एनालिसिस में. ह्यूमन सोल विच इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन although it forgets this fact many times inwardly wishes to be reunited. हमारी जो आत्मा है, हम इंसानों की जो आत्मा है वो एक अंश है उस परम पिता परमेश्वर का, यानी कि वो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है. अब परमात्मा इस शब्द से ही ये आत्मा शब्द निकला है, राइट? तो हम कौन हैं? हम तो आत्मा हैं. दिस इज वी, हम ह्यूमन, हमारे अंदर आत्मा है. लेकिन वो आत्मा किसकी है? उस परमात्मा की, यानी कि गॉड की. हम उनका अंश है. लेकिन हम ये फैक्ट, हम इस बात को बार बार भूल जाते हैं. इतनी बार हमें जन्म लेना पड़ता है, इतनी बार हमें मरना पड़ता है और हर बार हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि हम कौन है. लेकिन हमारी जो आत्मा है वो ये सच जानती है, लेकिन फिर भी हम उस परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये आत्मा जब तक आपके शरीर के अंदर है आप इस सच्चाई से भागते रहेंगे कि आप परमात्मा का अंश है. लेकिन जैसे ही आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलेगी मरने के बाद, तब ये आत्मा कहाँ जाएगी? इस आत्मा को एक नया शरीर चाहिए होगा ना. अब वो नया शरीर कौन देगा? परमात्मा देगा. इसीलिए आत्मा को तो पता है कि मुझे रीयूनाइटेड होना है, मुझे मेरा मिलन होना ही है परमेश्वर से. लेकिन हम जो इंसान हैं, हम इस सच्चाई को बार बार भूल जाते हैं. On the other hand, there are the pulls and attraction of worldly temptations. So man finds God as the only source of strength in his difficulty and he prays the Almighty for his help and offers him his sincere devotion. और हम इंसान क्या करते हैं दूसरी तरफ, भगवान को पाने की जगह, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा दिखाने की जगह, हम अपने वर्ल्डली अफेयर्स में फंसे रहते हैं. ये जो हमारे वर्ल्डली अफेयर्स हैं, अट्रैक्शन है, जैसे अगर कोई राजनीति में है, पॉलिटिशियन है, तो उसे राजनीति की ही चिंता रहेगी और वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करेगा, मुझे ये सीट दिलवा दो, इस बार मुझे ये इलेक्शन जितवा दो, ठीक है. अगर किसी की शादी नहीं हो रही, वो भगवान से हमेशा यही दुआ करेगा, भगवान मेरी शादी करा दो, मुझे अच्छी सी बीवी या अच्छा सा पति दिलवा दो. किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो वो हमेशा बच्चे की डिमांड करेगा भगवान से. कोई बहुत गरीब है, वो हमेशा यही सोचेगा मेरे पास कहीं से पैसा आ जाए, भगवान कृपा कर दो. मीन्स ये सारी चीजें क्या है? ये इस संसार से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप रोते हो भगवान के आगे. मैं जानती हूँ बहुत सारे नास्तिक बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे. अब वो बच्चे क्या सोचते हैं गीतांजलि की ये बातें सुनकर, वो चीज मैं टच नहीं करूंगी, बट गीतांजलि में ये सब रविंद्रनाथ टैगोर ने दर्शाया है अपने पोयम के माध्यम से. इसलिए आपको ये बातें समझनी होंगी अपने एग्जाम के लिए, राइट? अपनी लाइफ में आप फॉलो करें ना करें, बट एग्जाम के लिए तो फॉलो करना होगा. तो साफ सीधे शब्दों में रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं कि हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हम पे कोई मुसीबत आ पड़ती है. हम उसको केवल अपनी डिफिकल्टीज में याद करते हैं, अपनी खुशी में नहीं. हम उनसे तभी हेल्प मांगते हैं जब हम हेल्पलेस होते हैं, ठीक है. और इसी तरह हम अपना पूरा जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक, केवल संसार के अफेयर्स में, केवल वर्ल्डली अफेयर्स में, वर्ल्ड के अट्रैक्शंस में फंसे रहकर ही बिता देते हैं. कभी हम अपने जीवन में भगवान को जानने की कोशिश नहीं करते, उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, उनको महसूस करने की कोशिश नहीं करते. हम भगवान से सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करते हैं जब हम पे कोई मुसीबत आ पड़े, क्लियर? The human soul have no significance unless it is filled by the spirit of God. हमारी जो human soul है, हमारी जो आत्मा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक हमारी आत्मा उस परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. अगर आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है तब तो उस आत्मा की कोई वैल्यू है. लेकिन अगर आप परमात्मा से कनेक्टेड नहीं हो, आपकी जो अंतर आत्मा है, आपका जो मन है, वो भगवान से कनेक्टेड ही नहीं है, तो आपके सोल की कोई वैल्यू नहीं है. क्योंकि आत्मा, इसको एंड में जाके परमात्मा से ही मिलना है, चाहे कितनी भी दूर भाग ले नास्तिक बनकर. पर जो सच्चाई है वो ये नहीं बदल सकती.
अब इस सच्चाई को ये आत्मा जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले वो अच्छा है। बर्थ एंड डेथ आर बट द फिलिंग एंड एम्प्टी ऑफ सोल बाय सुप्रीम सोल। इन दिस वे द मैन फील्स द इमॉर्टल इटर्नल टच ऑफ गॉड। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और हमें बार बार जन्म कौन देता है? कौन हमें हर बार एक नया शरीर देता है, प्रदान करता है? कौन करता है ये सब? भगवान, परमात्मा। परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही आपका जब नया जन्म होता है तो आप में प्राण डाले जाते हैं, आप में नई आत्मा का संचार किया जाता है। आप अपनी ह्यूमन बॉडी को एक मशीन समझिए, केवल एक मशीन है आपका शरीर। अगर उस मशीन में तेल ना डाला जाए या उस मशीन में वो औजार ना लगाए जाए जिससे वो मशीन चले, तो मशीन बेकार है। वैसे ही आपका शरीर, अगर आपके शरीर से आत्मा निकाल ली जाए तो आपका शरीर बेकार है, मृत है। इसीलिए उस शरीर में वो जान कौन डालता है, वो आत्मा कौन डालता है? परमात्मा, भगवान डालते हैं। और इसी वजह से जो आत्मा है वो अमर हो जाती है, जो भगवान है वो आत्मा को इमोर्टल बना देते हैं, यानी कि अमर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा का हमेशा जन्म होता रहता है। आपका शरीर मर सकता है पर आपकी आत्मा कभी नहीं मरती। और जो हमारे लॉर्ड कृष्णा है, भगवान कृष्ण जो है वो एक सुप्रीम गाइड है। वो जब आए थे वो सबको गाइडेंस देके गए हैं भगवत गीता के माध्यम से। क्या गाइडेंस दी है उन्होंने? एक सफल जीवन, एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे जीनी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल आपके मन में आता है, आप भागवत गीता पढ़िए। उसमें आपके हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, आपके बोरिंग लाइफ से रिलेटेड हो, एजुकेशन लाइफ से रिलेटेड हो, खाने पीने से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि आपके मरने से भी रिलेटेड हो। हर एक चीज का आंसर देती है आपको भागवत गीता। तो लॉर्ड कृष्णा ने क्या क्या प्ले किया है? He is the guiding spirit. वो एक guiding spirit है. And the source of illumination, enlightenment and courage. वो एक ऐसा माध्यम बने जो सबको रोशनी देता है, जो सबको प्रकाश देता है। अब कौन सा प्रकाश? अपने ज्ञान का प्रकाश। क्योंकि हम ह्यूमन का जो दिमाग है ना वो इतना एक्सपेंड नहीं है कि वो ज्ञान को समझ पाए। इसलिए भागवत गीता जो स्वयं कृष्ण ने अपने अपने मुख से कही है, उसमें उन्होंने गीता का सार बताया है। गीता एक ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपके दिमाग को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, आपके दिमाग के चक्षु खोलता है। आपके दिमाग में बॉलीवुड वालों ने जितना भी गंद भर दिया है वो सब उसे ब्रेन वॉश करता है। आपको शुद्धता का एहसास होता है कि आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है और आप कैसे कीचड़ जैसा जीवन जी रहे हो। उस कीचड़ जैसे जीवन से कैसे बाहर आना है ये सिखाती है आपको भगवत गीता। He is omnipresent, वो हर जगह है, बिल्कुल है। He is there in nature, वो प्रकृति में है, बिल्कुल है। He is in the infinite sky, वो infinite sky में है, बिल्कुल है। He is in the hurly-burly of life, वो जिंदगी की हर एक हलचल में है। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो उसे सब पता है। वो आपके खुशी में भी है, वो आपके गम में भी है, पर आपके पास वो दिव्य चक्षु नहीं है कि आप उन्हें देख पाए। आपके पास वो दिव्य आंखें नहीं है जो आप उनको देख पाए। अर्जुन के पास भी नहीं थी वो दिव्य आंखें, खुद श्री कृष्ण ने उनको वो दिव्य आंखें दी, तब जाकर अर्जुन को उस परम ब्रह्म का दर्शन हुआ था, श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का। And he is in the life of solitude. और भगवान आपके अकेलेपन में भी है। The love of God comes to the earth in the disguise of golden light that dances upon the leaves, cloud and the sky. वो golden light के रूप में अर्थ तक जो रोशनी आ रही है वो क्या है? भगवान का प्यार है जो भगवान आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप सोचेंगे वो golden light क्या हो सकता है? Common sense, sunlight. सूरज की रोशनी क्या है? सुनहरी किरण है जो धरती तक भगवान पहुंचाते हैं और आप तक अपना प्रेम वो देते हैं। आप उस रोशनी के माध्यम से भगवान अपना प्रेम, अपना प्यार आपको पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर सूरज नहीं खिलेगा तो वनस्पतियां मर जाएंगी, ये जो प्रकृति है ये मर जाएगी। बिना रोशनी के, बिना सूरज के पृथ्वी पर जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। My heart has touched their feet. जो
रविंद्रनाथ कहते हैं, मेरा जो दिल है वो भगवान के चरणों को छू रहा है। द डिवोशन फॉर गॉड अडॉप्ट्स मेनी फॉर्म्स। जो भगवान के लिए भक्ति है वो कई तरह से की जा सकती है। समवेयर द पॉइंट इज लॉस्ट इन ट्रू लव फॉर गॉड लाइक मीरा। कई बार जो पॉइंट है यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो इस तरह अपनी सच्ची भक्ति को, अपने सच्चे प्यार को दर्शाते हैं जैसे मीरा बाई दर्शाती थी। जैसे मीरा बाई डूबी रहती थी हर वक्त सुबह शाम 24 घंटे कृष्ण में डूबी रहती थी, वैसे ही यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो भक्ति के गीत गाकर इतना डूब गया है कि उन्हें मीरा मीरा जैसी फीलिंग आ रही है। एंड समवेयर लाइक गोपीज। और कई बार पॉइंट को कैसा फील होता है, गोपी जैसा, कृष्ण की गोपी जैसा। कृष्ण की गोपियां थी ना, कितना प्रेम करती थी कृष्ण से, तो उतना ही प्रेम यहाँ पॉइंट के मन में है कि वो अपना प्यार एक गोपी जैसा समझ रहे हैं। एलिमेंट ऑफ डिवोशन और भक्ति इज मोस्ट क्लियरली सीन इन पोयम नंबर 38। भक्ति का जो बिगेस्ट एलिमेंट है यानी कि जिस पोयम में सबसे ज्यादा भक्ति दर्शाई है रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो है पोयम नंबर 38, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पोयम नंबर 38 एक ऐसी पोयम है जो डायरेक्टली आपको डिवोशन के बारे में बताएगी, व्हाट इज एक्चुअल डिवोशन। वैसे तो ये डिवोशन की जो थीम है ये सभी पोयम्स में है, सभी पोयम्स में शो हो रही है, बट पोयम नंबर 38 स्पेशली इसके लिए बनी है, डिवोशन के लिए, करेक्ट। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ डिवोशन and you can explain it in your own words, in your own English words, in your exam. तो जो बच्चे भक्ति करते हैं वो मेरी बातें अच्छे से समझ गए होंगे, और जो नहीं करते हैं उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी जरूर हो रही होगी, और जो कुछ कुछ करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं पूजा पाठ, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा ही समझ आया होगा, ओके। बट पोएम्स का एनालिसिस जब आप देख लेंगे तो क्लियरली एक-एक शब्द का मीनिंग आप समझ लेंगे। Now come to second theme is mysticism, रहस्यवाद। रहस्य यानी कि secret, छिपा हुआ। जो छिपा हुआ है वही secret होता है। लेकिन क्या छिपा हुआ है वो हमें यहाँ theme में ढूंढना है, okay? Indian philosophy expresses that mysticism is that exalted stage where human soul is in direct communicate with God. जो Indian philosopher हुए अब तक, जितने भी इंडिया में संत हुए, वो क्या शो करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों में कि मिस्टिसिज्म ये एक ऐसा स्टेज है, ये एक ऐसा पद है, अगर आपने मिस्टिसिज्म पा लिया या उस तक आप पहुंच गए, उसे फील कर लिया, तो वो एक ऐसी दशा होती है इंसान की कि आप डायरेक्ट भगवान से कम्युनिकेट करते हो, आप डायरेक्ट भगवान से बात करते हो, ठीक है, क्योंकि तब आपके आगे ये रहस्य खुल जाता है कि आपकी बंद आंखों के पीछे है क्या। जब आप आंखें बंद करते हो आपको अंधेरा नजर आता है, लेकिन उस अंधेरे के पीछे भी कुछ है, उस अंधेरे के पीछे भी एक दुनिया है। वो कौन सी दुनिया है, वो किसकी दुनिया है, वो है रहस्यवाद। वो उस दुनिया का रहस्य क्या है, और वो रहस्य जो बंदा जान लेता है या जो संत जान लेता है वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। जब आप सोते हो आपको सपने आते होंगे, राइट, यानी कि तब आप दूसरी दुनिया में चले गए, घूम रहे हो आप उस दुनिया में। अब उस दुनिया का भी कोई रहस्य होगा कि भाई सपने क्यों आते हैं, सपनों की दुनिया क्या है, तो तब आपको आंख बंद करके अंधेरा नजर नहीं आता, आपको वो दूसरी दुनिया नजर आती है जो आपको सपनों में दिखती है, आप चाहे उसमें कुछ भी देख रहे हो। सो दैट इज मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, यानी कि जिस दुनिया में आप अभी एक्चुअल रह रहे हो, जिस दुनिया को आप अपनी आंखों से देख सकते हो, वो तो हो गया फिजिकल वर्ल्ड, बट जिस दुनिया को आप अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, आप चाहे उसे सपने में देख सकते हो, आंखें बंद करके ध्यान लगा के मेडिटेट करके देख सकते हो, वो दुनिया है रहस्यवाद, वो है मिस्टिसिज्म। तो भगवान भी उसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, उसी रहस्यमय दुनिया में रहते हैं, जिसे हर एक इंसान आसानी से नहीं जान पाता, नहीं जान सकता। A mystic believes that ordinary world of sense perception is not real, and behind this visible world, there is more real world that can be apprehended spirituality and not through the medium of the senses. एक mystic या एक सन्यासी क्या मानता है
क्या यकीन करता है वो कि जो दुनिया मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो दुनिया मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, आप अपनी आंखों से अपने घर देख सकते हो, खाने पीने की चीजें देख सकते हो, अपने फैमिली देख सकते हो, फ्रेंड्स देख सकते हो, रिलेटिव देख सकते हो, जगह जगह आप घूमने जा सकते हो, वहां की मेमोरी आप बना सकते हो, तो ये सब आप क्या देख रहे हो? एक फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हो, राइट, जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है। तो यहाँ सन्यासियों का क्या मानना है, जो मिस्टिक होते हैं उनका क्या मानना है कि ये जो संसार है ये रियल नहीं है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये रियल नहीं है। क्यों? ये संसार क्या है? नश्वर है, बिल्कुल आपकी मौत की तरह। जैसे आपकी डेथ हो जाती है यानी कि आपका नाश हो जाता है, आप नश्वर हो, वैसे ही ये फिजिकल वर्ल्ड भी नश्वर है, इसका भी नाश होता है। अभी एक जगह भूकंप आ जाए, जगह गई यानी कि वो नश्वर है जगह, बाढ़ आने से, अर्थक्वेक आने से, या लैंडस्लाइड होने से, या फिर वोल्केनो फटने से, ज्वालामुखी फटने से, जितने भी डिजास्टर होते हैं वो अपने आसपास की जगहों को तबाह कर देते हैं, यानी कि उस जगह की मौजूदगी को खत्म कर देते हैं, उसकी सुंदरता बिगाड़ देते हैं। तो ये सब क्या है? फेक है। आप जिस संसार में रह रहे हो वो नश्वर संसार है, उसका कभी भी अंत हो सकता है, इसीलिए ये संसार, ये वर्ल्ड रियल नहीं है। तो संतों का क्या मानना है, मिस्टिक का क्या मानना है कि एक ऐसी दुनिया भी है जो इस फिजिकल वर्ल्ड से भी परे है, जो इस संसार से भी ज्यादा रियल है, वहां पे कभी कोई नाश नहीं होता, उस वो संसार हमेशा प्रेजेंट रहता है, उस वर्ल्ड का कभी नाश नहीं होता जो हम अपनी आंखों से अभी नहीं देख पाते। और वो किसका संसार है? वो भगवान का संसार है, वो भगवान के संसार का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो ही रियल है, वो ही सच है। जैसे बोलते हैं ना, राम नाम ही सत्य है, शिव ही सत्य है, इसी तरह वो दुनिया ही सत्य है, वो भगवान की सुंदर दुनिया ही सच है जिसे हम नहीं देख पाते। और ये जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हमारा ये जो शरीर रह रहा है ये रियल नहीं है, एक दिन इस दुनिया का भी अंत हो जाना है, इसलिए 2021 मूवी बनी हुई है जिसमें दुनिया का अंत दिखाया गया है, हॉलीवुड मूवी है वो, नहीं देखी है तो देख लेना कैसे अंत होता है। और क्या मानना है संतों का? दैट वर्ल्ड कैन बी एप्रीहेंडेड स्पिरिचुअली, और उस भगवान के संसार को हम कैसे पा सकते हैं, कैसे उस संसार को महसूस कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, आपकी भक्ति के माध्यम से, आपके अध्यात्म की जो शक्ति है, भक्ति करने से आपको जो शक्ति मिलेगी, उस शक्ति के माध्यम से आप उस संसार को देख सकते हो, आप उस संसार को फील कर सकते हो। जिस संसार का कभी नाश नहीं होता वो हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम उस संसार को फील कर सकते हैं, एंड दिस इज ट्रू। तो जब तक आप अपने दिमाग को एक्सपेंड नहीं करोगे, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाओगे नहीं, तब तक आप उस संसार से दूर रहोगे, कभी फील नहीं कर पाओगे कि भगवान की दुनिया कैसी होती है, कैसा अनुभव होता है उनके साथ। इसीलिए पहाड़ों में जितने भी संत समाधि लेकर के बैठे हुए हैं, अपना जीवन उन्होंने इसी सच की खोज में बिता दिया है। जब महाकुंभ का मेला लगता है तब वो सारे सन्यासी, सारे संत लोग आते हैं महाकुंभ के मेले में, बहुत दूर दूर के पहाड़ों से उतर के आते हैं वो वहां पर संत। कभी आपने महाकुंभ का मेला घूमा हो तो आपको दर्शन हो जाएंगे। तो वो सन्यासी लोग उसी सच की खोज में अपनी समाधि में डूबे रहते हैं, जहाँ पर वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं भगवान से, वो साक्षात बात कर सकते हैं भगवान से, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान की खोज में ही बिता दिया, उनकी दुनिया पहचानने में ही बिता दिया। सो ऑल मिस्टिक सीक्स टू विथड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस एंड अलाइन देमसेल्व्स विद द इनर वर्ल्ड। तो जितने भी मिस्टिक लोग होते हैं, यानी कि जो सन्यासी लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड की अपीयरेंस को त्याग देते हैं, वो जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया को देखना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और वो कौन सी दुनिया से कनेक्ट होते हैं? इनर वर्ल्ड। और वो इनर वर्ल्ड आपको मेडिटेशन के माध्यम से अनुभव हो सकता है, फील हो सकता है,
इसीलिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना मेडिटेशन में स्पेंड करते हैं, ध्यान में वो अपना टाइम बिताते हैं, क्योंकि ध्यान ही वो माध्यम है, मेडिटेशन ही वो माध्यम है जो आपको उस दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। सो दिस मिस्टिसिज्म बिलीव्स इन रिनंसिएशन, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स एंड इन एस्केटिज्म। तो ये जो रहस्यवाद के लोग हैं, यानी कि वो लोग जो ऐसा रहस्य जानना चाहते हैं, जिन्हें मिस्टिक बोला जाता है, ये लोग क्या करते हैं, सन्यासी हो जाते हैं और जो भी वर्ल्डली अफेयर्स है, यानी कि दुनिया के जितने भी कामकाज है, चाहे शादी से है, परिवार से है, दोस्तों से है, सबसे वो लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं, सबसे दूर चले जाते हैं, डिटैच कर लेते हैं खुद को सबसे, वर्ल्डली अफेयर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, खुद को इस दुनिया से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और वैरागी बन जाते हैं, एस्केटिज्म। भगवान शिव कौन है, वैरागी है, इसीलिए वो लोग भी अपना जीवन परम सत्य की खोज में वैरागी बनकर जीने लगते हैं। उन्हें कोई लगाव नहीं रहता इस दुनिया से, या इस दुनिया के जो भी अफेयर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल गेम्स, एंटरटेनमेंट, उनको किसी चीज से लगाव नहीं होता, उनको केवल एक ही चीज चाहिए होती है, परम सत्य की खोज, परम ब्रह्म की खोज, जो कि भगवान है। उनके मन में ये फीलिंग्स रहती है, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे, भगवान की दुनिया कैसी है, वो इन चीजों की खोज में अपना जीवन बिताते हैं। सो दिस इज द थीम एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्टिसिज्म बाय मी, बाय राधिका शिवा। सो यू कैन एक्सप्लेन दीज टू थीम्स ऑफ डिवोशन एंड मिस्टिसिज्म इन योर ओन वर्ड्स। एंड अगेन आई एम सेइंग कि मुझसे मत कहना मैम मुझे भी इंग्लिश वाला नोट्स दे दो, क्योंकि भाई मैं फिर कह रही हूँ ये मेरे खुद के अपने नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से कॉपी किए हैं, आपको भी इंटरनेट पर मिल जाएगा, टाइप करना मिस्टिसिज्म एंड डिवोशन, गीतांजलि थीम्स, मिल जाएगा आपको, पढ़ लेना, मैंने भी वहीं से पढ़ के समझाया है, वेरी ट्रू। तो इतनी गहराई है गीतांजलि की कविताओं में और उनकी इस थीम्स में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, और भी कोई नोवेल आप एक्सप्लेन कराना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में ही, चेक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।